हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल द टैरो वाइब। सो गाइज़, आज हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ की 1 से 15 तक की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, अगर आप मेष राशि वाले हैं तो गाइज़ ये रीडिंग आपके लिए है एंड ये रीडिंग जनरल होने वाली है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लड़का हो लड़की हो सो गाइज़ आप देख सकते हैं इसे। एंड गाइज़ प्लीज़ बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। ओके, एंड अगर आप से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके गाइस, सो हम देखते हैं मेष राशि वालों के लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, 1 से 15 सितंबर। ओके, द लवर्स, वेरी नाइस। Five of Wands, Four of Swords, guys did that. Ace of Pentacles, the Tower, Knight of Swords. Guys, हम देख लेते हैं bottom of the deck। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सॉर्ड। सो गाइज़ यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट गाइज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। ओके, सो गाइज़ हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। गाइज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में 1 से 15 सितंबर तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ आने वाले हैं या इशू चल रहे हैं। ओके, आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तरह का इशू चल रहा है, किसी तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओके गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है। ओके, आपकी लाइफ में आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं आप उसे इन 1 से 15 सितंबर के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा ये बढ़ेगा। ओके तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खुद की हीलिंग करनी चाहिए। ओके और गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, किसी सिचुएशन के थ्रू किसी इवेंट पे में भी जा सकते हो। ओके गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर किसी तरह के बैड एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। लाइक आपको लव लाइफ में किसी तरह का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है आपकी लाइफ में। गाइज़ मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ही दिख रही है। ओके मेनली आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। गाइज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों के बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम जनरेट हुआ है, किसी तरह की इश्यूज़ आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रही है और अभी कुछ टाइम में वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ओके सो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी तरह का प्रपोज़ल आपके लिए आपको देना चाहते हैं, बट गाइज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से अभी आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक है। ओके और वो आपकी तरफ इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और गाइज़ यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो बहुत स्ट्रांगली इस आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। ओके बहुत ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स है, आपके पर्सन उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट गाइज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर आप कोई एक्शन लेने वाले हो। ओके इस सिचुएशन में आप कुछ एक्शन लेने वाले हो। इन 1 से 15 सितंबर के बीच में आप किसी तरह का एक्शन लोगे जो कि आपकी लव लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करेगा। ओके उस एक्शन के बाद आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम मुझे कम होती हुई दिखाई दे रही है। ओके सो गाइज़ हम देख लेते हैं कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। मेष राशि वालों, आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का। बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव। गाइज़ यहाँ पे मैं भी वही कह रही थी कि और यहाँ पे यूनिवर्स का भी वही कहना है कि आप कोई एक्शन लेने वाले हो। और गाइज़ यहाँ पे यूनिवर्स का भी यही कहना है कि आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा अगर आपको अपने रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर सारा कुछ ईज सॉर्ट करना है तो आपको किसी तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। गाइज़ अगर आप फर्स्ट मूव लेते हो, अगर आप किसी तरह का ट्राई करते हो तो आपकी सिचुएशन बहुत ही इजी हो जाएगी। ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगी, आप इजीली उसे सॉर्ट कर पाओगे। ऐसा डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। ओके गाइज़, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और गाइज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके गाइज़, बाय।